हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक और आप देख रहे हैं ऑनलाइन एक्टिंग गुरु। आज का वीडियो है हमारा ऑडिशन को लेके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मुझे कहीं चांस दिलवा दीजिए, मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए। मैं उन लोगों से सबसे मेरा ये कहना है कि आप अपना एक अच्छा सा ऑडिशन तैयार कीजिए। ऑडिशन आपका अच्छा होगा तो वो आगे जाएगा, वो मैं भी फॉरवर्ड कर सकता हूँ आगे कास्टिंग एजेंसी को, और आपको भी रास्ते बहुत सारे हैं जहाँ पर आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेन चीज़ ये है कि लोग ऑडिशन अच्छा तैयार नहीं करते। अच्छे 2-3 ऑडिशन तैयार करिए जिससे आप आगे उसको फॉरवर्ड कर सकें, कास्टिंग एजेंसी को भेज सकें, उसका लिंक भेज सकें। अब तो आजकल सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो उसका फ़ायदा आप भी उठाइए, यूट्यूब पर उसको अपलोड कीजिए और उसको आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। 1 मिनट का या 1.5 मिनट का आप एक ऑडिशन अच्छा से रिकॉर्ड कीजिए, उसको तैयार कीजिए, तैयार करने के बाद उसको भेजिए। अब बात आती है कि ऑडिशन तैयार कैसे करें। तो मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो यूट्यूब से कुछ तरह तरह की वीडियोस, कुछ अच्छे एक्टर्स के डायलॉग्स ले आते हैं और उसी को कॉपी कर देते हैं और वैसे ही बोल देते हैं। अब जो अगर इरफान खान ने कोई अच्छा सा डायलॉग बोला है और वही डायलॉग आप बोलेंगे इरफान खान के लुक में या उनकी वैसी मिमिक्री करते हुए, तो फिर आपको कोई क्यों देखेगा? इरफान खान को जब देख लिया तो आपको क्यों देखेगा? लोग शाहरुख खान की एक्टिंग करने लगते हैं, तो जब शाहरुख खान को देख लिया हमने, सुपरस्टार को देख लिया उस डायलॉग को बोलते हुए, तो कोई हमें उस डायलॉग को बोलते हुए क्यों देखेगा? तो मेरा सिर्फ लोगों से यही कहना है कि आप कॉपी मत कीजिए, डायलॉग्स लाइए। आप बहुत सारा मटेरियल नेट पे है, बहुत सारे यूट्यूब पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे अच्छे एक्टर्स के। डायलॉग लिखिए, डायलॉग लिखने के बाद उसमें कुछ काट छाट करना हो तो करिए, बढ़ाइए जैसा आपको बेहतर लगता हो। आप अपने तरीके से उसको तैयार कीजिए, अपने तरीके से बोलिए, तभी आपका ऑडिशन वो सक्सेस हो पाएगा। कॉपी मत कीजिए, क्योंकि कॉपी में वो दम नहीं है, क्योंकि हमें तो अपने लिए तैयार करना है ना, हमें तो अपने आप को बेचना है, अपने आप को मार्केट में भेजना है, तो हम अपनी चीज़ें क्यों ना बनाएं, अपने आप को इस तरीके से तैयार करें कि हम दिखें। लाइंस किसी की भी हो सकती हैं, संवाद किसी के भी हो सकते हैं, मगर उसके कॉपी मत कीजिए। कुछ अच्छे डायलॉग्स हैं, प्ले हैं, उनसे आप ले सकते हैं। आषाढ़ का एक दिन बहुत अच्छा प्ले है, उसमें से कुछ अच्छी स्पीचेस ले सकते हैं आप। अंधा युग है, वहाँ से ले सकते हैं आप, और कई सारे ऐसे प्ले हैं जिनसे आप ले सकते हैं, लाइंस ले सकते हैं। मैकबेथ है और हैं, आधे अधूरे है मोहन राकेश जी का, उसमें बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। उसमें फीमेल एक्टर्स के लिए बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं, मेल एक्टर्स के लिए भी बहुत अच्छे डायलॉग्स हैं। वो बिल्कुल आज के परिवेश में ऐसा लगता है कि वो नाटक आज के परिवेश में ही लिखा गया हो, जबकि वो बहुत समय पहले वो नाटक लिख लिया गया था। मोहन राकेश जी ने उस प्ले को लिखा है और बहुत अच्छा प्ले है, आप उसमें से डायलॉग्स ले सकते हैं, आपको बहुत सारा मटेरियल नेट पर मिल जाएगा। अपना खुद का अच्छा सा ऑडिशन तैयार कीजिए, जिसमें बैकग्राउंड का भी ध्यान रखिए कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐसा ना हो कि आप कहीं दीवार ऐसी हो अलग तरीके की, आप बैकग्राउंड वाइट रखिए। वाइट बैकग्राउंड में क्या होगा कि आप दिखोगे, ज़्यादा कलरफुल बैकग्राउंड मत लीजिए, कोशिश करिए वाइट बैकग्राउंड ले जिससे आप दिख सको, और अपना अच्छे से ऑडिशन रिकॉर्ड कीजिए, और वो चाहे आप मुझे मेल कर दीजिए, और मैं अपना मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मुझे आप मेल कर दीजिए, मैं उसे अपलोड कर दूंगा, आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। मगर अच्छा सा ये वादा आप मुझसे कीजिए कि आपको अच्छा सा ऑडिशन रिकॉर्ड करना है और भेजना है, ठीक है? और कुछ अभी क्लासेस शुरू होने वाली हैं 16 मार्च से, उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। एक प्रोजेक्ट भी अभी हाथ में है, 24वें शो है उसका, उसकी भी तैयारी चल रही है। तो काफ़ी सारी व्यस्तताएँ हैं, काफ़ी सारा मैं बिज़ी हूँ, तो चैनल पे आ नहीं पा रहा हूँ जल्दी। कोशिश करूँगा कि वक्त बे वक्त आपको अच्छी वीडियोस दे सकूँ, अच्छी चीज़ें बता सकूँ, ठीक है? तो ऑडिशन अच्छा सा रिकॉर्ड कीजिए, अच्छे से डायलॉग्स निकालिए, और उसे कॉपी नहीं करना है, अपने तरीके से बोलना है, अपने तरीके से जैसे आप हैं,
ओरिजिनल, बिल्कुल नेचुरल, और वो आप मुझे मेल कर दीजिए और आप आगे अपने जहाँ भी आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं उसे भेज सकते हैं, ठीक है। और अगले अंक में मैं आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।